श्री पीतेश्वर हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत शुक्रवार को की गई। इसमें साध्वी कनकेश्वरी देवी, महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद के साथ संत उत्तम स्वामी सहित कई संत महात्माओं का समागम होगा। 19 दिवसीय आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण, अति रुद्र महायज्ञ जैसे अनुष्ठान होंगे। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित पीतृ पर्वत पर श्री पीतेश्वर हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जानकारी देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि शुक्रवार से श्रीमद् भागवत की शुरुआत हुई है। यह आयोजन 22 फरवरी तक चलेगा। विजयवर्गीय ने बताया कि 24 फरवरी को 1,00,000 महिलाओं की कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। उत्तम स्वामी इसी दिन से यहां शिव महापुराण की शुरुआत करेंगे। इसके बाद चिन्मयानंद स्वामी के सानिध्य में अति रुद्र महाअभिषेक का आयोजन होगा। 3 मार्च को पूर्णाहुति के साथ नगर भोज का आयोजन होगा। परम पूज्य संत माँ कनकेश्वरी देवी जी, परम पूज्य संत श्री श्री विद्याधाम के महामंडलेश्वर श्री चिन्मयानंद जी महाराज, परम पूज्य संत उत्तम स्वामी जी, तीनों महामंडलेश्वर के मार्गदर्शन में वैदिक परंपरा से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में सबसे पहले राहुल शास्त्री जी की कथा होगी और साथ ही इंदौर के लगभग 70 रामायण मंडल के प्रतिनिधि लगातार 24 तारीख तक 1,25,000 सुंदरकांड का पाठ करेंगे। 1,25,000, ये 1,25,000 सुंदरकांड की पढ़कर हनुमान जी को आहुति प्रदान करेंगे। तो हमने इसका नाम दिया है सुंदरकांड पठन महायज्ञ। प्रेमी है जो पढ़ना चाहता है, आपके माध्यम से हम सबसे निवेदन करेंगे कि वे पितृ पर्वत पहुँचे। सुबह 9 बजे से सुंदरकांड का पठन प्रारंभ हो जाएगा। वे वहाँ पर जाएं, सुंदरकांड की आहुति प्रदान करें पढ़कर हनुमान जी को, जिससे कि हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही वहाँ पर वाइब्रेशन बहुत अच्छे हो जाएं। उसके साथ ही इस पितृदोष को दूर करने के लिए ही ये पितृश्वर हनुमान, पितरों की पूजा और पितरों के नाम पर पेड़ लगाने का आयोजन हमने प्रारंभ किया था। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा देश का धार्मिक पर्यटन स्थल होगा और आप सबसे भी निवेदन है, आप सब इस समारोह में पधारें। 24 तारीख को एक भव्य कलश यात्रा निकलेगी। कम से कम 1,00,000 महिलाएं एक सरी के वस्त्र पहनकर कलश लेकर श्री श्री विद्याधाम से पितृ पर्वत तक जाएंगी। लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है ये और एक बहुत ही भक्तिमय वातावरण होगा।